शांतिनिकेतन हाई स्कूल क्लास 9। हम SST में भूगोल का 4 लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम था जलवायु। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था जलवायु पर नियंत्रण किस प्रकार होता है, जलवायु क्या होती है, मानसून क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि भारत को जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कि भाई जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं वो कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले होता है अक्षांश। कर्कवृत देश के मध्य भाग में पश्चिम के कच्छ के रण के से लेकर पूरब में मिजोरम, कहाँ पर है, पूरब मिजोरम में है, से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा, देखिए ना इंडिया का जो मैप है उसके बीच में जो होती है, ठीक है, उस होती है कर्क रेखा। कर्क के वक्त में दक्षिण में स्थित है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्कवृत के कारण उत्तर में शेष जो भाग होते हैं उष्णकटिबंधीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो जलवायु की विशेषता है कि सबसे पहले अक्षांश होना चाहिए, अक्षांश जो प्रभावित करती है उसकी जलवायु को। दूसरा होता है कि ऊंचाई, भाई जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे, जैसे सबसे ज़्यादा भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र विशाल है, जो नीचे की तरफ आ जाए तमिलनाडु वगैरह, ये सारे क्षेत्र हैं, ये आपके तटीय क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इस जहाँ तक अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर है हिमालय मध्य से आने वाली ठंडी हवाओं को, तो यहाँ से हिमालय से जो हवाएं बहती हैं और तटीय मैदानों से जो हवाएं बोलती हैं, तो वो उन ठंडी हवाओं को जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से कौन रोकता है, हिमालय रोकता है। ठीक है, जो कि ऊंची पहाड़ियों से आता है। तो ये था अक्षांश। अब है वायु तथा वायु दाब और पवन। भारत में जो जलवायु को जो करता है उसमें नंबर एक आता है वायु दाब तथा धातले पवन, ऊपरी भारी सरीचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती। चक्रवाती देखते हैं ना, तो आप अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा में जो आया था चक्रवात जो आया था, कि इतनी तेज तूफान होता है जिसको चक्रवात कहते हैं, सबको उड़ाकर ले जाता है, जो पेड़ पौधे जो भी होते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। यह पवने उत्तरी गोलार्ध के उपोषण कटिबंध पट्टियों से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये एक दक्षिण की ओर बहती हुई कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विषुवतीय बिंदु वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती जाती है। इन पवनों में क्या होती है, नमी की मात्रा बहुत कम होती है। कैसी होती है, कि नमी की मात्रा जो होती है, यानी कि शुष्क होती है, नमी की मात्रा जो होती है कम होती है। इन पवनों के द्वारा जो होती है वर्षा जो होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में कम होती है, यानी कि इतनी वर्षा नहीं होती। इस प्रकार भारत का शुष्क क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि भारत की जो वायु दाब पवन तंत्र अद्वितीय होते हैं। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, एशिया तथा पूर्वी भारत के ऊपर निम्न क्षेत्र का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की तो दिशा पूर्वी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुववृत्त के ओर पार करके दाहिनी ओर मुड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हुए जेठ धाराएं क्या होती हैं। जेठ धाराएं होती हैं जो कि एक संकरी पट्टी में स्थित सौमंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाले पश्चिमी हवाएं होती हैं। यानी कि जो संकरी पट्टी में स्थित जो सौमंडल होता है, आपने 7th क्लास में पढ़ा था ना सौमंडल तापमंडल, ये सारे, तो एक पश्चिमी पट्टी होती है, इनकी जो गति होती है इन हवाओं को बहने की वो होती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उस हिसाब से ये बढ़ती है। तो सर्दी में ये जो हवाएं जब चलती है तो इनकी मात्रा हो जाती है 184 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सी अलग अलग जेठ धाराओं को पहचाना गया है, इनमें से मध्य अक्षांशीय उपोषण जेठ धाराएं होती है दक्षिण में प्रभावित होती है, और इस पश्चिम प्रभाव के द्वारा देश के उत्तर और पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ में होते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोषण उष्णकटिबंधीय जेठ धारा हिमालय के जेठ धारा कहा जाता है। ठीक है, गर्मी के महीनों में प्रायः भारत के लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती है। समझ में आ गया, तो यह क्या होती है, जेठ धाराएं। समझ में आया कि जो बहुत ज़्यादा तेज गति से जो चलती हैं। समझ में आ गया कि जेठ धाराएं क्या होती है, वायुदाब जो पवन होती है वो क्या होती है, शुष्क भाव होती है जो कि कम वर्षा लाती हैं, इतनी ज़्यादा वर्षा नहीं आती। और जेठ धाराएं होती हैं जो कि सौरमंडल के ऊंची ऊंचाई से के वाले पश्चिमी हवाएं बहती है। समझ में आ गया। आगे है भारतीय मानसून, इसको कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसको लेसन को हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।